ये रहा यहाँ का गेट। तो यार चलो चलते हैं यहाँ पर से, हम वापस रिटर्न जा रहे हैं। चलो इधर चलते हैं अंदर। तो हेलो सब्सक्राइबर, क्या हाल चाल है आप सभी को। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिताब राज ब्लॉग्स में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 9 जून, आज बिरसा मुंडा का बलिदान दिवस है। तो इसी के पर्व में हम सब देवगढ़ घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी रास्ते में निकल चुके हैं, हम टोटल 6 लोग हैं। 2 दिन से प्लान बना था, आज फाइनल किए हैं क्योंकि आज 9 जून है। और बिरसा 6 लोग, 2 गाड़ी के साथ, ये एजे भाई है, ये गुलशन भाई, और मुझे तो आप जानते हैं उनके, खैर, और 3 लोंडे आगे चल रहे हैं, मतलब साथ ही हमारे। तो अभी चलते हैं और ब्लॉग कंटिन्यू। आप में से जो भी लोग मतलब देवगढ़ किला नहीं गए होंगे तो चलो आज हम घुमा के लाते हैं आपको। तो उसके लिए आपको ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहना होगा। और अभी हम पहुँचे हैं काम बड़ी हालात पहुँच चुके हैं। अभी यहाँ से हमको पहुँचने में लगने वाले करीबन 2 डेढ़ घंटे में हम पहुँच जाएंगे। और सफ़र इंजॉय कर रहे हैं बहुत, मेरा भी फर्स्ट ही टाइम है, मतलब ब्लॉगिंग तो छोड़ो, मेरा घूमने का मोटिव है घूमना। और तो अभी पहुंचे हम टोटा पहुंच के रास्ता ही नहीं पाता। ये हमारे ड्राइवर साहब रास्ता बोल गए हैं, अभी राइडर आने का इंतजार कर रहे हैं और उनको भी निकला देते हैं, अभी आई नहीं है, करते हैं इंतजार थोड़ा देर बैठते हैं। ये धीरे चला रहा है, ये गई अपनी राइडर, अभी ये बताएंगे हमको रास्ते, अब हम इसके पीछे चलने। तो अभी हम छोटा सा आगे बढ़ गए हैं, रास्ता नहीं पता था, तो वो अभी आगे चलेंगे और हम उनके पीछे पीछे, उनके पास है राइडर, हमारे पास है डिलक्स। चलो चलते हैं और डिलक्स देखते हैं इतनी देर पहुँच पाती है नहीं, और कैसा क्या रहता है अपना, बाकी तो खैर तय है। तो अभी हम एंटर हुए कमरा और राइडर पीछे और हम आगे हैं, और बाकी अगले सीन दिखाता हूँ। तो ये रहा अपना कमरा, राइडर आगे और हम उसके पीछे, और ये रहा अपना पीछे कमरा। तो अभी चल रहे हैं पेट्रोल की ओर, थोड़ा सा पेट्रोल भराना पड़ेगा ताकि अपनी जर्नी अच्छी रहे और कहीं पेट्रोल की समस्या ना आए। तो अभी चलते हैं, कम से कम पूछते हैं कितना लगेगा, वहीं पर पूछेंगे और फिर आगे देखते हैं। ये अभी आए हम पेट्रोल पम्प, यहाँ पर भराना पड़ेगा बाबा। तो अपनी गाड़ी में भी गुलशन भाई 400 पेट्रोल भरा रहे हैं, 400 में अपना जर्नी हो जाएगा। और चलो बाकी मेंबर से मिलाता हूँ। ये भाई, ये अपना, इसका नाम अजय है, ये अपना मित्र, और बाकी लोग इधर पानी पी रहे, तो उनसे इंट्रोडक्शन अपना रह गया था, वो अपना कंप्लीट करते हैं। ये हमारे अंकित भाई हैं, और अभी हमारे मेंबर से मेंबरशिप करा दें। ये अपने गाँव के बड़े भैया, अपने विनोद भाई, इनके साथ अपनी जर्नी अभी कंटिन्यू होने वाली है और बाकी ब्लॉग कंटिन्यू रहिएगा। अपन चल रहे हैं देवगढ़ किला देखने के लिए, तो फालतू बैठे हो तो देवगढ़ दिखला, तो चलते हैं अभी और पेट्रोल। अपनी गाड़ी दिखला देता हूँ, इनमें अपना सफ़र तय होने वाला है। HF डिलक्स ये चल रही है अपने साथ, और ये है राइडर। तो राइडर तो चली जाएगी, अपन को देखना है कि अपनी HF डिलक्स पहुँच पाती है या नहीं सही सलामत। चलो चलते हैं यहाँ। ये रेल बना देंगे, ये रघु भाई बोल रहे हैं कि रेल बना देंगे, और ये गुलशन भाई अभी पानी आनी लेके आ गए हैं, और चलते हैं। तो अभी हम नहीं, ये रोड ले रहे हैं अभी। अभी रुके बिछुआ में, यहाँ नाश्ता पानी होगा भाई लोगों का, बहुत पटेल लोग से हैं बिलोंग, यहाँ देख रहे हो लड़कों के चोचले। तो फिलहाल रुके हैं बिछुआ में, यहाँ चाय नाश्ता का प्लान है और फिर यहाँ से जाएंगे आगे। क्या रे, क्या खाएगा तू? गुपचुप। ये गुपचुप खाने के लिए यहाँ पर आया, हम समोसा खाएंगे। तो यहाँ पर अभी रुके हैं भाई लोग, ऑर्डर मार रहे हैं, नाश्ता वास्ता करेंगे और निकलेंगे। तो अभी फ़िलहाल जिस चीज़ के लिए रुके थे साला समोसा, यहाँ पर समोसा ही नहीं मिला, तो पूरा मूड ख़राब हो गया है। अब अजय देवन को गुपचुप खाना है, पता नहीं इसको कहाँ मिला है, देखते हैं आगे कहाँ मिल रहा है। और
रघु भाई ऑर्डर दे रहे हैं, लगता है लड़का खा के जाएगा क्योंकि सुबह का जल्दी का प्लान था, लॉन्डे लेट निकले, हो गए लेट। तो फिलहाल देखते हैं कुछ खाते हैं और जर्नी आगे कंप्लीट करना है। तो काग बोर्ड मांग रहा हूँ यहाँ पर मेरी भी शक्ल दिख रहा है थोड़ा। ये गुलशन भाई का कहना है कि इसको समोसा ही खाना, पर समोसा मिल नहीं रहा है। तो यहाँ पर मोटू पतलू देख देख के सब समोसा लवार हो गए हैं, तो ये दुकान अभी छोड़ दिए हैं। अभी दूसरी दुकान जाएंगे और सब समोसे खाएंगे। अभी पैर जाता भाई मैं बीच रोड में यहाँ पर रुक गए समोसा खाने के चक्कर में, प्लान कैंसिल, फिर निकले यहाँ से। अभी चलते हैं नेक्स्ट दुकान, वहाँ पर खाएंगे। तो अभी फ़िलहाल यहाँ से निकल रहे हैं आगे, अभी समोसा नहीं मिला तो समोसा खाएंगे, उसके बाद यहाँ से आगे जाएंगे, क्योंकि प्लान खाने पीने का सब इतना ही है। तो खाना आना कुछ लेके नहीं आए हैं, समोसा ढूंढ रहे हैं। अभी समोसा पता नहीं कहाँ मिला समोसा। तो ये रहा अपना बिछुआ का टैग, यहाँ पर आए हैं। तो फिलहाल अभी समोसे की दुकान मिल चुकी, तो हम सब जा रहे हैं समोसा खाने के लिए, ये अपनी टीम और बाकी लौंडे आगे आगे। ये रहे अपने समोसे, ये कह रहे हैं इनको खाएंगे, ऑर्डर कर दिए, बाकी सब खाने के लिए बैठ रहे हैं। तो मैं बैठता हूँ, चल सर के हिसाब से काफ़ी महंगा होगा, चलो कुछ नहीं खाते हैं, निकलते सर में से। अभी समोसा वमोसा खा लिए, वैसे में चौड़े के मुकाबले बिछुआ काफ़ी महंगा है, क्योंकि यहाँ पे मिलता है 10 का सिंगल समोसा, और डबल भी लो तो 20 का। और तो गाइस बिछुआ बहुत महंगी है चौड़ाई से, क्योंकि तो अभी अपन बिछुआ को बोल रहे हैं बाय बाय, बिछुआ से आगे कंटिन्यू अपना ब्लॉग होगा। ये रहा बिछुआ, और ये रहे बिछुआ के कुछ नज़ारे, अब कहते हैं भाई। तो अभी अपन बोल चुके हैं बिछुआ को बाय बाय, और कंटिन्यू हो रहा है पहुँचने में, मेरे को लगता है एक से दो बज जाएंगे, अभी करने को काफ़ी कंटिन्यू रहेगी। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. फिलहाल रास्ते पर रुके हैं, सब डिस्कशन कर रहे हैं किधर से रोड है, कहाँ जाना है। ये यहाँ का हाईवे है, यहाँ से इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है ये तय कर रहे हैं। रास्ते नहीं पता, रास्ता पूछ रहे हैं। अभी टाइम लगेगा, मतलब आधा घंटा यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। अभी रास्ते पर यहाँ पर बिल्कुल शादी का माहौल है भाई, ये पीछे देख रहा हूँ, ये पूरा शादी का माहौल पीछे है। मैं नाचने जाने की सोच रहा हूँ, कौन कौन चलना है, रघु चलते हैं नाचने के लिए है? चल तो मैं नहीं जा रहा भाई, मजाक कर रहा था, तो मैं नहीं जा, मेरी फट रही भाई, इसकी फट रही ना, तो कैंसिल कैंसिल नहीं जाना। तो यहाँ पर शादी हो रही, नाचने का प्लान था पर जा नहीं रहे हैं, चलते हैं अभी कंटिन्यू करते हैं। ड्राइव में कर रहा हूँ तो ब्लॉग थोड़ा लेट होगा, सीधा वहीं का दिखलाता हूँ बाय। तो फाइनली आ रहा हूँ, करीबन 1.5 घंटे का सफर तय करने के बाद अपन पहुँच चुके हैं देवगढ़ के इलाके में। यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर ही बात है, और अभी अभी से नज़ारा का माहौल दिखने लगा है, क्योंकि यहाँ पर भाई टॉप की पहाड़ियाँ हैं, अगर बहुत अच्छी पहाड़ियाँ हैं, मतलब काफ़ी ऊँचा है। अभी खैर ब्लॉग में उतना खास दिखेगा नहीं, तो अभी चल रहे हैं कंटिन्यू। भाई इधर का नज़ारा ऐसा है ना कि मत ही पूछो भाई, पूरा जंगल और ऊँची ऊँची पहाड़ियाँ हैं, वादियाँ हैं। अभी दिखलाता हूँ, ये देख सकते हो यहाँ पर से पूरा ऐसा गड्ढा, और ये देखो भाई इसको बोलते हैं मोड़, ये यहाँ से टर्निंग लेना है। और भाई आप, अरे भाई मेरा मन रोमांचक हो गया भाई, आप क्या ही बोलोगे भाई, इसको बोलते हैं सीन, इसको बोलते हैं सीन भाई। ये देख सकते हो पूरा भाई यहाँ पर से, ये हमारी रोड है, और ये देखो पूरा खाई, पूरा खाई ब्रो, और ये सामने गांव है, ये यहाँ की बस्ती, और भाई यहाँ पूरा खाई है, मन दहल जा रहा है। रुको तो यारो, अभी हम यहाँ पर रुके थे तो यहाँ देख सकते हो पूरा भाई मट्टा खोल के बनाया गया, ये देख लो ये पूरा पहाड़ खोला गया है, और फिर यहाँ से रास्ता बनाया गया है, और पानी निकलने के लिए बाकायदा यहाँ सब सुविधा, प्लांटिंग। अभी सब लोग रुके यहाँ पर, फोटो वोटो शूट हो रहा है, ये देखो पूरा पहाड़ खोल के बनाया है। ये एजे भाई आए हमारे साथ, अभी ये देखो सामने का नज़ारा दिखाता हूँ, और अंकित भाई, एजे, गुलशन भाई और चिंटू फोटो खींच रहा है। ये देख सकते हो मैं जूम करके दिखा रहा, अभी गजब का नज़ारा। मेरे को ये खाई से बहुत डर लग रहा है भाई, मतलब एक बार जो गया तो समझ लो गया, जिंदा तो रहेगा इतनी इसकी मैं गारंटी दूंगा लिख के। और आपको अगर आना तो ये बेस्ट प्लेस हो सकता है यहाँ पर आने के लिए भाई, मतलब लोकेशन ही है। ये भाई यहाँ पर फोटो शूट करा रहा है अपनी जान को रिस्क में डाल के, भाई गड्ढा इतना कि मत ही पूछो। ये गांव देख सकते हो, मतलब समझ में नहीं आ रहा वीडियो में उतना, पर
तो चलो चलते हैं और आगे का नज़ारा दिखाते हैं, और ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, और ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कहाँ से हो कमेंट में ज़रूर लिख देना क्योंकि हमारे साथ जुड़े भाई दिल की बात है। तो चलो चलते हैं, देख सकते हो आप भाई, मतलब बिना एडिट करे वीडियो डालूँ, मतलब थोड़ा बहुत ही एडिट होगा भाई। ये नज़ारे ही हैं यार, मतलब देवगढ़ और फिर मुंडों की संस्कृति, पता नहीं पहले की लोग वहाँ कैसा क्या इधर ट्रैवल करते थे, पर जो भी बहुत खतरनाक दिखला रहा है। इससे यहाँ के रास्ते हैं नज़ारे भाई, जंगल। ये देखो ये पहाड़ से अभी आ रहे हैं अपन, वहाँ से नीचे उतरते हुए आ रहे हैं और पूरा जंगल है ब्रो, मतलब यहाँ से ये चीज़ें कैसा क्या सीन है वो नहीं पता। ये वो वाला पूरा वहाँ से टेक से आ रहे हैं ब्रो, देख सकते, मतलब क्या ही नज़ारे भाई। अभी अपन नीचे उतर चुके हैं, जहाँ पर से अभी ऊपर थे अपन, वो अपनी टॉप की देख सकते हो। ये पुराने ज़माने का भाई, ये देवगढ़ किला के टाइम का लगता था, पुलिस वाले पुल किला, और ये यहाँ का ऐसा कुछ सीन है। यहाँ पर ये रहा अपना बोर्ड और देवगढ़ किला, मतलब यहाँ से आगे हैं। ये यहाँ की पुरानी संस्कृति, मस्त नीम के पेड़ के नीचे ये मतलब मंदिर है, और यहाँ से भी हम आगे। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं देवगढ़, और ये रहा अपना गेट, यहाँ से अब उनको पैदल ही चलना पड़ेगा। अबे पानी फाइनली यार, यारो जिस चीज़ के लिए हम निकले थे पिछले एक डेढ़ घंटे से सफ़र करने के बाद, हम पहुँच चुके हैं, हमारे साथी लोग सब। अभी ऊपर जाने का प्लान है, गाड़ी वाड़ी सब सेटअप कर देते नीचे, और उसके बाद फिर चलते हैं आगे। खैर यहाँ की सभ्यता तो खैर विकसित हो चुकी, पर देवगढ़ किला देखना मेरी ख्वाहिश है यारो। चलो चलते हैं। ये लड़के हमारी पर्ची काट रहे हैं हमारी गाड़ियों की, सेफ्टी की जिम्मेदारी इनकी रहेगी। तो भाई यहाँ से अपन को चढ़ना पड़ेगा 1.5 किलोमीटर ऊपर, भरी दोपहर टाइम बताइए। मैं यहाँ पे पहुँचे हैं, मतलब सारी दोपहर ही हम ऊपर चढ़ेंगे ब्रो, बहुत हालत डाउन होने वाली है। अभी हाथों गए हैं जो जो उसमें, अभी हालातों के जब नक्शे कदम बिगड़ेंगे, ये जो भाई के अभी से पसीना छूट रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा। तो ये हमारी कट चुकी पर्ची दोनों गाड़ियों की, अभी रेस्ट हो रहा है। अभी फ़िलहाल पानी भर रहे हैं कुछ पीने के लिए, और कुआं दिखला देते हैं यहाँ पर, पुराना ही लगता है क्यों। तो ये रहा यहाँ पर का कुआं, काफ़ी पुराना है ब्रो। ये रही अपनी गाड़ियाँ, और थोड़ा पानी भरेंगे उसके बाद चलते हैं टॉप में। तो लेट्स डू इट गाइस, चलो अपनी सफ़र तय करते हैं, मतलब चालू करते हैं। अभी निकल चुके हैं हम यहाँ से, अभी जाएंगे ऊपर, जाना है पूरा, मतलब एक मतलब आधा घंटा तो भी लगेगा अपन को चढ़ने में। चलो चलते हैं और देखते हैं अपना देवगढ़ का किला, अपनी पूर्वजों की विरासतें जो यहाँ पर थी, तो उन्हीं को भी एक्सप्लोर करने वाले हैं हमारे ब्लॉग्स में। तो ये मेरा पहला ब्लॉग था, चलो चलते हैं। तो ये रहा अपना मुख्य द्वार, और ये रही अपनी टीम, सब जा रहे हैं अभी, अभी तो जोश में, अभी पता चलेगा आधा घंटा बाद क्या कहता है इनका जोश। चलो चलते हैं। तो ये रहा अपना रास्ता, पूरा भाई ऊबड़ खाबड़ रहा है, और यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन, भरी दोपहर में चल रहे हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो अभी अपने सभी मित्रगण चल रहे हैं, और मैं सबको ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। काफ़ी दिन से मनोकामना थी कि मेरे चलो कहीं घूमने जाऊँ और ब्लॉग बनाऊँ, तो अभी अपना दिन आ गया है, और सांसें थोड़ी फूल रही हैं क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। ये सभी चल रहे हैं अभी, और रही बात ऊपर की बात करें तो यहाँ पर लाइट के लिए सोलर पैनल, और बैठने के लिए कुर्सियाँ की व्यवस्था, क्या ही बताएं भाई। तो अभी पूरी टीम पूरे जोश से ऊपर चढ़ रही है, और मैं सबसे पीछे कहीं आगे हो रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग शूट करना है। अभी काफ़ी हाई, बहुत ही ख़राब सफ़र होने वाला हमारा, क्योंकि टाइम हमको आने में ज़्यादा हो गया, 10 बजे घर से निकले थे, और ये लो अंजाम उसका, घाम पूरा तेज है, पूरा धूप में आए हैं, और चढ़ाई देखो बिल्कुल ऊंची है भाई। मैं जा रहा हूँ वापस, मेरे को नहीं बनाना लोग, मैं सिलेंडर करता हूँ। अरे 10-10 रुपये ले लो भाई, उठा के रख लो, अभी कोई लौंडा हमारे बातों पर
दीस हमारे रघु भाई देंगे जो उनको इस घाटी से चढ़ाएगा। तो भाई बहुत ज्यादा पसीना और थक गए हैं, पूरी टीम अभी पीछे आ रही है और मैं टॉप में। तो अंकित भाई का कहना है कि पहला नियम कोई शॉर्टकट नहीं मारेगा, सब ईमानदारी से इस रास्ते से जाएंगे। शॉर्टकट रास्ते कुछ यहाँ से जो सीधी चढ़ाई देते हैं, और ये जा रहे हैं ये थोड़ा चौड़ी रास्ता है, तो यहाँ से फोर व्हीलर चढ़ा सकते हैं, पर टू व्हीलर भी चढ़ जाएगी पर उस पर कम सवारी होना। अभी बहुत ऊपर जाना, मैं नीचे आपको बताया करीबन 1.5 किलोमीटर ऊपर, ऐसे घूम घूम के जाएंगे तो आधा घंटा लगेगा। क्यों आधा घंटा से ज़्यादा, बहुत हार्ड। तो ये रही अपनी टॉप की ऊंचाई, और ये रहा रास्ता का, रास्ता काफ़ी अच्छा, फोर व्हीलर निकल जाएगी आराम। अभी ये विनोद भाई के पसीना छूट गए, सस्ता एसी लग गया इधर, और एजे भाई पूरे जोश में लग रहे हैं, क्या बात है, ऐसा क्या राज है सर आपका इससे। अच्छा जा रहे हैं। इसको बोलते हैं गाइस मनोबल, जैसे बाहुबली था ऐसे ये मनोबल है, ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है इधर। पूरा पसीना पसीना हो गए हैं अभी, तो खैर चढ़ना स्टार्ट किए हैं, मतलब आधा भी नहीं आए। क्यों भाई आधा भी नहीं चढ़े, चढ़ ही रहे हैं। चलो जल्दी पहुंचते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करते चढ़ रहे करके। क्यों है ये जी भाई? यस यस ब्रो, यस ब्रो। इंग्लिश मेरे ब्लॉग में इंग्लिश। अरे ये रहा बिल्कुल खड़ा रास्ता ब्रो। अबे यहाँ पर से मतलब फोर व्हीलर कैसे जाती होंगी? पूरा खड़ा रास्ता है यारो, तो गाड़ी लाके कोई रिस्क नहीं लेगा, तब सब चाहे तो मतलब पैदल ही आना, अगर सफर एंजॉय करना है तो मत ही पूछ भाई। बिल्कुल ये पूरा टॉप में जाना है, और ये रास्ता ले रहे हैं हम। और सब अभी यहाँ पर बैठे हैं, सब पानी पी रहे हैं यहाँ पर, एक किधर गया एक ही रहा, सब पानी पी रहे हैं, और 5 मिनट यहाँ बैठेंगे और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग। गुलशन तो भाई काफ़ी जोश में लग रहा था, जैसा कि उसने बताया था, एक डंड बैठक फेला और सीधा ऊपर चढ़ गया। उसके बाद हम बचे तो हम जाएंगे आराम से चलेंगे, मतलब चाहे रात क्यों ना हो जाए पर सफ़र का एंजॉय पूरा लेंगे और कहेंगे पैसा वसूल ब्लॉक। जैसा कि पता है कि इस नियम सिर्फ तोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तो ये रास्ता ये वाला जाना था, वो सब छोड़ो, यहाँ से अपन मार रहे हैं अभी शॉर्टकट, क्योंकि पहुँचना जल्दी है, क्योंकि घर पहुँचने में हो जाएगी, वो तो नाइट तो होनी है, वो तो तय ही है, पर जल्दी सफ़र तय करना है भाई। तो यारो हम यहाँ शॉर्टकट ये मार के ये आ गए हैं, अभी अंकित भाई और रघु भाई इस रास्ते से आएंगे, और इधर सीढ़ियाँ बना दी गई हैं तो काफ़ी अच्छी बात, यहाँ फ़ोटो वोटो शूट सब चल रहे हैं, और जैसे ओस नहीं जम जाती क्या सुबह सुबह वो वाला पूरा। खैर अभी झाड़ पत्तों की वजह से कुछ दिख नहीं रहा है, अभी चले हैं ऊपर। यारो ये शायरी पढ़ सकते हो, सूखी धरती करे पुकार, वृक्ष लगाओ करे श्रृंगार। मैं जूम करके दिखलाता हूँ तुमको। हाँ तो ये रहा अपने गांव और घर, जहाँ से अभी अपन ऊपर है। बहुत हार्ड ब्रो, ये आ रहे हैं, ये एक बैठा और ये, और बकाया भी सफ़र काफ़ी तय है, मतलब करीबन अभी आधा और चढ़ना है इतना। ये देख सकते हो यहाँ पर से अभी पूरा ऊपर। इसके बाजी जाए घाट में, हम चले पहाड़ में। तो हमारे अंकित भाई बता रहे हैं 450 साल पुराना वाव, जिसे हम देखने के लिए यहाँ पर इन पहाड़ों पे झांझे बजा रहे हैं पिछले आधे घंटे से। हालत पूरी डाउन, ब्लॉग पसंद आए तो ठीक। तो भाई ये देख सकते हो पूरा नजारा, ये घर है और ये यहाँ पर पूरा इस साइड से पूरा पहाड़ ही पहाड़, और अपनी टीम बिल्कुल जोश में थी, अब थोड़ी ठंडी हो गई है, पानी यहाँ तो अच्छा हुआ पानी का सेटअप लेके आए थे तो गुजारा चल ही गया है। अब थोड़ी रोड अच्छी, मतलब नहीं तो भाई पूरा ऐसा टेक हो गया था ना कि मत ही पूछो यार। ये थोड़ा अच्छा।
थोड़ा अच्छा है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो तो आपको गाइड की सुविधा नहीं मिलेगी। तो यारो अभी हम खैर आधी चढ़ाई कर चुके हैं, साथी लोग सब ट्रैवल कर रहे हैं, कि हम आज पूरी चढ़ाई कर पाएंगे क्योंकि हम चढ़ेंगे पर वापस नहीं आएंगे। इसका प्लान तो मेरे को रुकने का लग रहा है, ये कह रहा है कि मतलब चढ़े तो उतरेंगे नहीं, और उतरने का सीधा एक ही स्टाइल है, यहाँ से सीधा आने का और सीधा जाने का। मतलब सीधा डेथ। और यहाँ से सामने दिखाते हो, हाँ बोल, यहाँ पर यहाँ से पहले जो राजा लोग थे उनके जो सेनापति हैं वो यहाँ पे रहते थे, मतलब पहरा देते थे ताकि यहाँ से कोई घुस बैठिया अंदर न जा पाए, यहाँ तो सीधा वार करते थे, सीधा अटैक। तो ये यहाँ पर से वार करते थे, यहाँ लुढ़काते थे। ओ भाई, यहाँ पर आपको किला का ये अभी किला का स्टार्टिंग हुआ है। हाँ। ब्रो, ओ माय गॉड, अंदर जाएंगे और भाई इसे कहते हैं भाई बेल। तो यारो हम अभी पहुंच चुके हैं इसके गेट पे, और ये रहा यहाँ कुछ यहाँ का सीन ब्रो, ये रहा यहाँ का गेट, और ये स्वच्छता बनाए रखें, और ये रहा यहाँ का गेट।